ऑलराइट दोस्तों, सो मैं धीरज सिंह सेंटम एकेडमी की तरफ से आप सबका वेलकम करता हूं। और एक रिक्वेस्ट जो बच्चों की तरफ से आ रही थी वो थी कि भी हेक्सागनल क्लोज पैकिंग सर समझ में नहीं आ रहा है ठीक से, तो ये वीडियो स्पेशली उस सिनारियो को डिस्क्राइब करने के लिए है। और हम जानेंगे कि किस तरह से हम इस पैकिंग को विजुलाइज कर सकें और किस तरीके से हम इसमें कितना परसेंटेज इज ऑक्यूपाइड बाई दी एटम्स, कितना इज वैकेंट पैकिंग फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, कितना पैक है ये और कितना वैकेंट है। सो ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो। सो ये हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना है दोस्तों कि ये बनता कैसे है, इस तरह का स्ट्रक्चर आया कहाँ से, राइट? तो हम इस चैप्टर में दोस्तों सॉलिड स्टेट में ये मानते हैं कि कोई भी जैसे मान लीजिए आपका एटम लैटिस बना रहा है या आपका कोई मॉलिक्यूल लैटिस बना रहा है, तो वो एटम या मॉलिक्यूल एक स्फीयर का शेप का है, राइट? तो वो स्फीयर 3D में किस तरह से स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उस सेंस में हम ये पहचान पाते हैं कि हमारा जो यूनिट सेल है वो हेक्सागनल है कि फेस सेंटर्ड है कि क्या, किस तरह का वो उसका शेप आता है। अब यूनिट सेल क्या होता है दोस्तों? अब 3D में आप देखेंगे कि स्फीयर्स लगे हुए हैं खूब सारे, राइट? तो यूनिट सेल उसको कहते हैं दोस्तों कि अगर आप उसको बार बार रिपीट करते जाएंगे तो आपको वो पूरा 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब एक यूनिट सेल के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में होती है। अगर मैं जैसे एग्जाम्पल लू यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे एक्स स्फीयर लगा दू, यहाँ पे वाई लगा दू, फिर एक्स लगा दू, फिर वाई लगा दू, ऐसे मैं करते चले जाऊं, राइट? तो अगर मैं ऐसे करता चला गया एक्स वाई करते हुए, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दोस्तों जिसको रिपीट करके मुझे पूरा ये पैटर्न मिल जाएगा वो है एक्स वाई दोनों कंबाइन करके, राइट? अब ये तो बड़ा सिंपल सा 1D अरेंजमेंट है। इसी तरह से अगर मैं स्फीयर 3D में अरेंज कर दूं तो वो जो एक स्ट्रक्चर आता है हमारे दिमाग में जो बार बार रिपीट करने से पूरा का पूरा क्रिएट हो जाएगा 3D मॉडल, उसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं, राइट? और डिपेंडिंग अपॉन जो हमारा यूनिट सेल का जो शेप है उसको हम लोग हेक्सागनल क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं या क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि 3D में किस तरह से अरेंज होता है और जानेंगे कि वो हेक्सागनल यूनिट सेल किस तरीके से बनता है, राइट? तो मैं आपको यहां पर लिए चलता हूं। यहां मैंने कुछ ऑलरेडी मैंने सर्कल्स अरेंज करके रखे हुए हैं ताकि जो है इजिली मैं वो 3D स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर पाऊं, राइट? तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एटम्स हैं, ठीक है? इसको मैं डुप्लीकेट करके यहां लगा देता हूं, ये एक लेयर बन गई मेरी। ये मैं जब दूसरी लेयर बना रहा हूं दोस्तों तो एक ट्रायंगुलर वॉइड भी क्रिएट कर दे रहा हूं, तो मैं इस तरह से ना लगा के मैं उसको ट्रायंगुलर वॉइड में फिट कर रहा हूं इस तरह से, ठीक है दोस्तों? और फिर डुप्लीकेट किया तो मेरा इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया, राइट? इसको हम लोग एक और बार डुप्लीकेट कर देते हैं, तो ये मेरी एक लेयर बन गई एक प्लेन में। तो ये सब स्फीयर्स मैंने इस तरह से स्टैक करके रखे हुए हैं। आप बोल सकते हैं कि भाई इस तरह से क्यों स्टैक किया है, एक के नीचे एक क्यों नहीं स्टैक किया है, वो भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उससे हमारा हेक्सागनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनके नहीं आएगी, राइट? तो आप लोग यहाँ पर कुछ लोग हेक्सागन विजुलाइज कर पा रहे होंगे, जैसे कि ये देखिए, ये एक हेक्सागन दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी आप देखिए हेक्सागन आपको विजुलाइज हो रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैंने एक और लेयर ली, राइट? इसके बाद वाली लेयर मैंने उसको मान लीजिए ऑरेंज कलर का लेकर रखा हुआ है, ठीक है? अब इस लेयर को या तो मैं यहां रख सकता हूं, राइट, या इसके ऊपर ऐसे अरेंज कर दूं, राइट? मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया, राइट? अब आपने अगर इसको इस तरह से अरेंज किया हुआ है दोस्तों, तो आपने क्या किया, ट्रायंगुलर वॉइड जो बना पहली लेयर में उसके ऊपर आपने ये ऑरेंज वाला लेयर रख दिया। अब इस लेयर को रखने से यहां पर ये जो वॉइड था दोस्तों, ये वॉइड ये पूरी तरह से तो कभी भरेगा नहीं, यू आर डीलिंग विद स्फीयर्स, तो ये यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड अब बन गया है, अब उसको हम लोग फिलअप नहीं कर सकते हैं, राइट? अब नेक्स्ट लेयर कहां आएगी दोस्तों? ये मैंने लिया एक और अरेंजमेंट यहां से, इसको मैंने इस तरह से लगा दिया। नीचे वाली जो ट्राइगोनल वॉइड है उसके ऊपर मैंने रख दिया, तो एक और टेट्राहेड्रल वॉइड नीचे की लेयर में क्रिएट हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक जगह है, ये जगह है जो आप देख पा रहे हैं, ये जो मैं पिंक डॉट से दिखा रहा हूं आपको, इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं दोस्तों। तो
वो यहां पर फिलअप नहीं होता हुआ दिख रहा है, राइट। और लेयर ले लेते हैं दोस्तों, इसको मैंने इस तरह से लगा दिया, तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते जा रहे हैं, राइट। तो अब इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं, नीचे वाला लेयर को मैं बोल देता हूं ए है, पूरे लेयर का नाम ए है, और ऊपर वाली जो लेयर है उसको मैं लिख देता हूं बी। अब मुझे एक और लेयर लगानी है। अब अगर मुझे एक और लेयर लगानी है दोस्तों, तो मैं इस येलो कलर को ही यूज करता हूं। यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको, बहुत सारे स्फीयर्स बन गए हैं विजुलाइज करने में, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे तो आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको मैं या तो नीचे वाली लेयर के ऊपर रख दूं, आप देख रहे हैं यहां पर, अगर मैं इसको इस वाले रो को जो सबसे नीचे वाली जो ए लेयर है उसके अलाइनमेंट के साथ रख दूं, तो ये लेयर गायब भी हो जाएगी, आपको दिखेगी नहीं इसमें, इस तरह से साइड से देखेंगे तो आपको दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे रख देंगे तो इस लेयर और नीचे वाली जो येलो लेयर है उसके बीच में एक ऑरेंज वाला स्फीयर आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे रख दूंगा तो एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेयर ए रिपीट कर दे रहा हूं। तो इसको हम ए बी पैकिंग बोलेंगे। थ्री डायमेंशनल में क्या बोलेंगे, जो लेयर जो पूरी की पूरी लेयर नीचे की ए है वो रिपीट हो जाएगी एज इट इज। तो मैं थर्ड लेयर बनाने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अगर आप साइड देखेंगे तो आपको दिखेगी ही नहीं। तो ये लेयर इसको कोइंसाइड करते हुए लेयर ए के इस तरह से रख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे एफ सी सी, तो मेरा यहाँ पर हेक्सागनल क्लोज पैकिंग बन जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि मैं इसको ऐसे रख दूं, राइट। तो मैं अगर इस लेयर को ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख दूं दोस्तों, तो मेरा हेक्सागनल क्लोज पैकिंग नहीं बनेगा, ये बनेगा मेरा फेस सेंटर्ड पैकिंग, राइट। तो ये हो जाएगी मेरी एबीसी लेयर। तो मैं एबीसी ना करके रिपीट कर दे रहा हूं लेयर ए को, तो जो थर्ड लेयर है वो लेयर ए के साथ कोइंसाइड कर दे रही है। तो मुझे इनफैक्ट उसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन मैं दो लेयर ऐसे लगा देता हूं। चलिए एक और ले लेते हैं, तो वही लेयर नीचे की रिपीट हो गई। तो सामने से देखेंगे तो आपको जो सी वाली लेयर है ऊपर वाली लेयर वो दिखेगी नहीं, तो सामने से देखेंगे तो आपको जो ऊपर की जो ए लेयर है ये बोल देंगे टॉप वाला ए, ये बॉटम वाला ए। तो बॉटम वाला ए नीचे की तरफ, टॉप वाला ऊपर की तरफ। अगर आप देखेंगे इसको ऊपर से तो आपको टॉप की लेयर ऊपर नीचे वाली लेयर के साथ कोइंसाइड करते हुए दिखेगी। ऑलराइट, अब देखिए यहां पर, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यहां पर एक, मैं अगर ऐसे शो कर दूं, मैं यहां पे हेक्सागन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए शो कर रहा हूं ताकि ये क्लियर हो जाए कि किस तरह से आप यूनिट सेल विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये आपका देखिए एक हेक्सागन बन गया। इस हेक्सागन में आप देखेंगे कि ये स्फीयर आ रहा है, ये स्फीयर आ रहा है, और ये जो ऑरेंज वाला जो लेयर है दो ए के बीच में जो सैंडविच लेयर है उसका भी, ये तीन स्फीयर, ये और ये तीन स्फीयर आ रहे हैं। ऑलराइट, और वही हेक्सागन जो नीचे के जो छह स्फीयर आ रहे हैं ऊपर भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ इस सेंटर के भी दो स्फीयर आ रहे हैं, राइट। तो आई होप आप मेरे साथ विजुलाइज कर पा रहे होंगे, राइट। तो अगर मैं एक यूनिट सेल की बात करूं, तो अगर मैं इस हेक्सागन को इस तरह से काट के निकाल लूं और इसी हेक्सागन को बार बार एक के ऊपर एक स्टैक करता चला जाऊं, तो दोस्तों कुछ इस तरह से सिचुएशन दिखेगी। आई होप मैं हेक्सागन बना पाऊं ठीक से। यहां पर आपको रेगुलर हेक्सागन बनाना है, इस तरह से आएगी सिचुएशन। और अगर मैं इसको रिपीट करता रहता हूं दोस्तों, ये यहां लग जाएगा, ये ऐसे लग जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड व्यू है दोस्तों, क्योंकि एग्जैक्ट रेगुलर हेक्सागन तो बना नहीं है मुझसे। ऐसे लग गया, यहां लग गया, यहां लगा सकते हैं। तो अब फटाफट देख लेते हैं कि ये किस तरह से रिपीट हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये स्फीयर, ये स्फीयर, ये स्फीयर, हर कॉर्नर पे आपको बस स्फीयर बनाना चलना है, सेंटर में स्फीयर। आप देखेंगे पूरा पूरा वो जो ज्योमेट्री आपकी रिपीट हो रही है, इनिशियल लेयर बनी आपकी, राइट। फिर इसी तरह से ऊपर की लेयर बन जाएगी, और बीच में दोस्तों तीन स्फीयर भी हमारे पास, एक स्फीयर जो है यहां पर आएगा, एक इस तरह से, एक इस तरह से आएगा, और एक जो है मेरा, आई एम सॉरी, तो बीच में भी तीन स्फीयर आएंगे दोस्तों, ये जो ऑरेंज लेयर है सैंडविच हो जाएगी। तो इस चीज को मैं हेक्सागन को बस रिपीट करता चला जाऊं, मेरे को ये पूरा पूरा थ्री ज्योमेट्री का पैकिंग मिल जाएगा, राइट। अब देख रहे हो कितना सारा थ्री विजुलाइजेशन है यहां पर। तो इन सब विजुलाइजेशन के पूरी पैकिंग एक साथ हम लोग विजुलाइज करने, एक यूनिट सेल लेंगे, और क्योंकि वो रिपीट हो रहा है दोस्तों बार बार, उस यूनिट सेल को हम लोग देखेंगे कि भाई उसमें कितनी पैकिंग है, और वही पैकिंग ही तो रिपीट हो रही है, राइट। तो
मैं आपको लिए चलता हूं एक डायग्राम की तरफ। ये आप देखेंगे इस तरह से, आप इसको क्लियरली देख पा रहे होंगे, राइट। अब एक छोटा सा चीज यहां पर है दोस्तों, जो यूजुअली इग्नोर हो जाती है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप ये हेक्सागनल यूनिट सेल बनाएंगे, तो ये स्फीयर का भी, ये जो बीच के जो दो स्फीयर है ना दोस्तों, इसका भी थोड़ा थोड़ा जो हिस्सा है ना, वो कट जाएगा। लेकिन उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, क्योंकि जितना कटेगा दोस्तों, उतना हिस्सा जो उसके साइड वाले स्फीयर हैं, वो यहां से अंदर आ जाएंगे। तो नेट नेट मतलब इफेक्टिवली ये तीनों स्फीयर एज इफ कंप्लीट स्फीयर ही हैं यूनिट सेल के अंदर, राइट। तो उसमें हमको डरने की जरूरत नहीं है। अब लेट अस काउंट नंबर ऑफ स्फीयर इनसाइड द हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, राइट। हेक्सागनल यूनिट सेल में कितने स्फीयर हैं, चलिए काउंट करते हैं, राइट। और देखेंगे ये जो बीच वाला है दोस्तों, ये बीच वाला कितना है, कितना पोर्शन उसका ऑक्यूपाई हो रहा है हेक्सागन क्लोज पैकिंग के अंदर, आधा हो रहा है, राइट। इसी तरह यहां पे भी होगा, नीचे भी एक, तो हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ टू प्लस ये जो हेक्सागन के कॉर्नर में लगे हैं दोस्तों, वो कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं। अब आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए मैं एक ऐसे स्फीयर बनाता हूं, ठीक, ये जो एंगल है हेक्सागन का, जो एंगल होता है 120 होता है, तो मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ये तीन हेक्सागन इसमें लग जाएंगे। अब तीन हेक्सागन नीचे से लगेंगे और तीन हेक्सागन ऊपर से लगेंगे, राइट। तो जो टोटल जो हिस्सा हेक्सागनल यूनिट सेल के अंदर आएगा, वो 1/6 ऑफ वन स्फीयर एट द कॉर्नर आएगा। तो 1/6 इंटू, यहां पे आपको छह ऊपर स्फीयर दिख रहे होंगे और छह नीचे, तो 1/6 इंटू 12 प्लस ये तीन जो अंदर है पूरे का पूरा यूनिट सेल के अंदर मान लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 6 × 2 = 12, 3 + 2 = 5 + 1 = 6। तो 6 स्फीयर हैं दोस्तों अंदर, राइट। और अगर स्फीयर का रेडियस आर है, तो कितना एटॉमिक पोर्शन जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स वुड बी 6 × 4/3 π r³। तो मेरा ये 6 स्फीयर अंदर है, काउंट करने का मतलब क्या हुआ, ताकि मैं आराम से कितना स्फेरिकल वॉल्यूम या कितना एटॉमिक वॉल्यूम एचसीपी के अंदर है वो निकाल सकूं, ठीक है, राइट। अब मुझे ये जानना है दोस्तों कि वॉल्यूम ऑफ दी हेक्सागन का जो प्रिज्म है, हेक्सागनल यूनिट सेल जो है, उसका कितना वॉल्यूम है। क्यों भाई, मुझे ये जानना है कि कितनी पैकिंग हुई है, कितना पैकिंग फ्रैक्शन है इसका। मतलब कि ये मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन है, ये वॉल्यूम ऑफ दी एटम्स है, मुझे जानना है VA/VH। अब वॉल्यूम ऑफ हेक्सागनल यूनिट सेल क्या है, बड़े आराम से हम लोग बोल सकते हैं, एरिया ऑफ हेक्सागॉन मल्टीप्लाइड बाई हाइट, राइट। यही होगा। अब हाइट क्या है, ये है दोस्तों हाइट, राइट, ये हाइट है h, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, ये मेरा हाइट h है। तो अब ये निकाल तो लेंगे हम लोग बड़े आराम से मान के कि भाई ये a है वगैरह वगैरह, बट मुझे a और h इन टर्म्स ऑफ r चाहिए दोस्तों, राइट। जब वो आएगा तभी ही, जब मैं रेशियो लूंगा तो इंडिपेंडेंट ऑफ आर निकलेगा और एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी मेरे पास, राइट। तो चलिए हम लोग थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाते हैं यहां पे। मैं इस स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेता हूं, राइट। सो आप यहां पे देख रहे होंगे एक चीज, कि यहां से अगर मैं डायगनल बनाऊं ये हेक्सागन का, तो अलोंग द डायगनल ये तीनों स्फीयर टच कर रहे हैं, हालांकि अलोंग द एज भी ये दोनों स्फीयर टच ही कर रहे हैं, राइट। तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि जो डायगनल की लेंथ है, हेक्सागनल के डायगनल की लेंथ 2 times ऑफ द साइड लेंथ होती है, वो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं किस तरह से। ये जो डायगनल है दोस्तों, इसका अगर मुझे लेंथ चाहिए, तो मैं इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं। अगर मान लीजिए ए है, ये ए है, ये 60 डिग्रीज, ये भी 60 डिग्रीज, सो ये लेंथ मेरी ए cos 60 हो जाएगी, ये लेंथ भी ए cos 60 हो जाएगी, तो ये a/2 और ये भी a/2 और ये ए, सो टोटल लेंथ हो जाएगी मेरी 2a। और ये 2a है दोस्तों, वो अगर रेडियस ऑफ द एटम r है, तो किसने बराबर होगी, r इस एटम का हो गया, 2r इसका, r इसका, तो ये 4 × r के बराबर हो गया।
तो आर दोस्तों मेरा ए बाई टू निकल के आ रहा है। अब लगे हाथों दोस्तों वॉल्यूम ऑफ दी हेक्सागन, सो लगे हाथों दोस्तों एरिया ऑफ द हेक्सागन भी निकाल ही लेते हैं, राइट। तो यहां पर मैं थोड़ा क्लीन कर दूं। इसको आप देखेंगे कि ये आराम से 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल के बराबर हो जा रहा है, राइट। ये साइड लेंथ है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एरिया ऑफ द हेक्सागन इज 6 टाइम्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स दिस थिंग, राइट। सो ये हो जाएगा 1/2 बेस, कोई भी दो साइड ले लीजिए, इंटू कॉस ऑफ सॉरी कोई भी दो साइड ले लीजिए इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दोज टू साइड्स, ये एरिया ऑफ वन ट्राइंगल है। सो एरिया ऑफ द हेक्सागन विल बी 6 टाइम्स ऑफ इट। तो ये हो जाएगा 3a² √3/2। तो ये आपका 3√3/2 ए स्क्वायर है, और ए जो है 2r है, तो इसको 2r² कर देते हैं। तो यहां से दोस्तों आ जाएगा मेरा 6√3r² तो ये एरिया ऑफ द हेक्सागन आ गया। अब बस मुझे हाइट चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेडियस, अपना काम हो जाएगा, राइट। अब हाइट निकालने के लिए दोस्तों थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी हम लोगों को, ओके। तो चलिए दोस्तों हाइट निकालते हैं, राइट। अब हाइट में आप देखेंगे हम लोग ड्रॉ करेंगे कौन कौन से स्फीयर टच कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो सबसे टॉप पे जो सेंटर पे जो स्फीयर रखा है ये वाला, और इसी तरह से यहां पर भी एक स्फीयर रखा होगा नीचे वाले हेक्सागन के सेंटर में, वो और ये तीनों, ये सब ये पांच स्फीयर टच कर रहे हैं वर्टिकली। तो मैं इन पांचों को अलग से ड्रॉ करता हूं, साथ ही साथ इसको भी लिए चलते हैं। चलिए तो ये तीन स्फीयर मैंने बना दिए, एक दो, और जो तीसरा स्फीयर है पीछे की तरफ ये हो गया, राइट। अब एक स्फीयर ऊपर, मैं सिर्फ सेंटर वाला स्फीयर बना रहा हूं जो हेक्सागन के सेंटर में है, ये हो गया, और एक स्फीयर नीचे हो गया, नीचे के हेक्सागन के सेंटर में। तो आप देखेंगे कि ये सिमेट्रिकल फिगर आ गया दोस्तों। तो मुझे यहां पे क्लियर है कि अगर मैं यहां से सेंटर लाइन ड्रॉ करूं तो अपनी जो हाइट होगा, अपना जो हाइट आएगा वो इसका 2 टाइम्स आएगा, राइट। तो पूरा का पूरा स्फीयर बनाया तो है, लेकिन यूनिट सेल का पार्ट सिर्फ यहीं तक है, राइट। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हाइट यहां से लेना है हमको, ओके। अब हाइट निकालें कैसे, हाइट निकालने के लिए थोड़ा सा आपको 3D विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा दोस्तों। अगर मैं ये जो तीन स्फीयर ऐसे हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं, इनको इनके जो सेंटर्स हैं उनको ज्वाइन कर दूं, तो मुझे किस तरह का शेप मिलेगा भाई। ट्रायंगुलर तो मिलेगा ही, कौन सा ट्रायंगल होगा वो। करेक्ट दोस्तों, एकदम सही बोला आपने, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बनेगा। ये मैंने सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर दिया है तीनों स्फीयर को, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ओके। अब जो मेरा ये ऊपर रखा हुआ स्फीयर है, ठीक, ऊपर जो रखा हुआ स्फीयर है उससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो इस ट्रायंगल को जो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है कहां गिरेगा, ड्यू टू सिमेट्री सेंट्रॉइड पे ही गिरेगा वो, राइट। और एक फाइनल चीज दोस्तों, वो जहां पे भी परपेंडिकुलर गिरेगा वहां से अगर ये लाइन ज्वाइन करूं मैं, और ये सेंटर ऑफ द टॉप स्फीयर अगर है, तो ये जो एंगल आएगा ना ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये नीचे वाली जो लाइन है ये ट्रायंगल के प्लेन में है, और ये जो लाइन बनाई मैंने ये ऊपर वाला जो स्फीयर है उसके सेंटर से लेकर नीचे वाले ट्रायंगल के सेंट्रॉइड तक की लाइन है, ओके। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है दोस्तों, इससे मेरी ये जो हाइट है, ये वाला जो हाइट है ये बड़े इजिली निकल आएगा, लेकिन उसको निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इस लेंथ की जरूरत पड़ेगी, और वो लेंथ क्या है, सेंट्रॉइड की यहां से दूरी, ओके। अब क्योंकि ये इक्वल ट्रायंगल है तो हमको डील करना बहुत आसान हो जाएगा यहां पर। तो ये जो रेड लाइन है इसकी लेंथ निकालने के लिए, ये हो गया आपका 30 डिग्री, बाइसेक्टर होगा, और ये लेंथ आपका a/2 होगा, राइट। और देन ये जो रेड लाइन का जो लेंथ है, लेट से वो आपका l है, ओके। सो आप लिख सकते हैं कि cos ऑफ 30 इज a/2 / l। cos ऑफ 30 क्या होता है दोस्तों, √3/2, दिस इज इक्वल टू a/2 l, राइट।
और 2 और 2 चला जाएगा, तो आपके पास निकल के आएगा एल इज इक्वल टू ए बाई रूट थ्री। एल आपका ए बाई रूट थ्री हो गया। अब ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूं, अब इसको इसको बनाते हैं दोस्तों। यहां पर ना आपको एक टेट्राहेड्रन बनता हुआ दिखेगा, अगर आप सारे सेंटर आप ज्वाइन कर देंगे ना, आपको कुछ इस तरह से सिनारियो बैठेगा, ये हो जाएगा। और ये पॉइंट मान लीजिए ऊपर की तरफ है, आपके स्क्रीन से बाहर की तरफ आती हुई पॉइंट है ये, और इस तरह से अगर मैं ज्वाइन कर दूं, और मान लेते हैं कि ये 3 जो है सेंटर जो नीचे रखे हुए स्फीयर है उनका है, और ये सेंटर जो है जो ऊपर वाला स्फीयर है उसका है, तो जो सारे जो लेंथ है ना दोस्तों, ये सारे इक्वल होंगे। तो यहां पर आप देखेंगे 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। ओके, तो आपको उस तरह से विजुलाइज करना है। तो कमिंग बैक टू दिस, मैंने किया क्या है दोस्तों, टॉप से मैंने ये जो ऊपर वाला स्फीयर का सेंटर है उसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया नीचे की तरफ इस तरह से, और ये मैंने ज्वाइन किया है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो वो ट्रायंगल है दोस्तों ये रेड कलर का, तो उसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं अलग से, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से बनेगा सिनारियो, राइट। तो ये जो लेंथ है ना दोस्तों, ये एल है, ये ए बाय रूट थ्री है, ओके। और ये साइड लेंथ ए हो गई, अब मुझे इसकी हाइट चाहिए, ये हाइट क्या है। अब अच्छी चीज क्या है कि भाई 90 डिग्री है, लगाइए पाइथागोरस थ्योरम और निकाल लीजिए आंसर। सो एच हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई थ्री। तो यहां पर दोस्तों √2/3 × a, ये आता है मेरा हाइट कहां से कहां तक का, ये हाइट आएगा दोस्तों मेरा यहां से लेकर यहां तक का, 2 times ऑफ दैट इज द टोटल हाइट एच। सो यहां से कैपिटल एच इज 2 times √2/3 × a हो गया। ओके, अब भाई हमने एरिया ऑफ द हेक्सागन भी निकाल के रखा हुआ है, वो 6√3 r² है, तो मैं इस चीज को जो कि मेरा एच है 2√2/3 a यहां लिख लेता हूं, इन टर्म्स ऑफ आर, ए इज 2 r, सो हाइट हो जाएगा 4 r√2/3, राइट। सो जो वॉल्यूम आएगा दोस्तों ये एचसीपी पैकिंग का, वो एरिया 6√3 r² × हाइट 4 r√2/3, तो मेरा √3 √3 कट जाएगा दोस्तों, और यहां पर आएगा मेरा 24√2 r³। ये है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ दी हेक्सागन, राइट। अब ये मेरा वॉल्यूम आ गया। अब पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाल लेंगे, बड़ा सिंपल है दोस्तों, अब बस थोड़ा सा टाइम, खेल खत्म। ये वॉल्यूम ऑफ दी हेक्सागन है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है 6 times 6, क्यों 6 स्फीयर है हेक्सागन के अंदर, 4/3 πr³। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द हेक्सागन, व्हिच इज 6 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई 24√2 r³। बस यहां से r³ हटा दीजिए आप, 3 × 2 = 6, इस तरह से आपका पाई डिवाइडेड बाई 3√2, ये आता है पैकिंग फ्रैक्शन, जिसकी वैल्यू दोस्तों 0.74 आती है। तो जो परसेंटेज ऑफ पैकिंग है एचसीपी में वो 74% है, तो वॉइड का कितना परसेंटेज है, 26%। ऑलराइट, तो इस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हैं। हालांकि ये जो मैंने किया इतना सब इतना टाइम में, ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको एग्जाम में इस तरह से पूछा जाए, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा सा आपका विजुलाइजेशन का जो पावर है वो हो सकता है इंक्रीज हो, और वो आपको बाकी सब प्रॉब्लम में और कॉन्फिडेंट बनाता है करने के लिए, जिससे आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं होती। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई होप आपने कुछ सीखा होगा आज, राइट। तो बाय फॉर नाउ।